तो भाई अभी का जो पैस देखा आपने, जो मैं वॉइस ओवर कर रहा था, वो जो बहुत ही सही व्यू था वो हमने क्रॉस कर लिया और अभी हम कबीर चबूतरे पे हैं। जय हो नर्मदा मैया की, साथ देना भाई। सो ऑफिशियली 2021 ख़त्म होते होते मैं अपनी लाइफ की पहली राइड कर रहा हूँ, जो कि 250 किलोमीटर्स की होगी। मतलब इतनी लंबी राइड मैंने अभी तक नहीं की है। तो सबसे पहले हमें जो करना है वो ये करना है कि भाई एटीएम से पैसे निकालने हैं, क्योंकि ऐसा सुना है हमारे जानने वालों से कि अमरकंटक में यूपीआई ट्रांजैक्शंस वगैरह ज़्यादा प्रेविलेंट है नहीं, मतलब वहाँ ज़्यादा चलते नहीं हैं, इनफैक्ट चलते ही नहीं हैं। तो वहाँ कैश ही कैरी करना होता है, तो पहले कैश निकाल लें। कैश निकाल के हो गया भाई, और आज हम बहुत जल्दी सफ़र शुरू करने की कोशिश में हैं। चलिए, और मैं कह रहा था कि राइड पे थोड़े बहुत कैश तो कैरी करना ही चाहिए, अच्छा रहता है, सेफ्टी बनी रहती है। और अब जो दूसरा काम है वो ये है, पेट्रोल भरवाना है। और ये शहर का सबसे अच्छा पेट्रोल चल रहा है अभी, गोरखपुर पुलिस स्टेशन वाला। और ट्रिप मीटर हमने ज़ीरो कर लिया था, और इससे पता चलेगा कि टोटल रन एग्जैक्ट कितना है, क्योंकि गूगल मैप्स में तो 230 किलोमीटर्स बता रहा है। बाकी देखते हैं, पेट्रोल अगर सस्ता होता तो क्या दिन होते हमारे। खैर, अच्छे दिन चल रहे हैं। ज़िंदगी में जो खुशी की लहर आई है भाई, ये देखिए, ओहो हो, छलक गई है टंकी हमारी। 1100 रुपये का पेट्रोल डलवाया है मैंने, और हमने एस्टिमेट जो निकाला है वो ये है कि 1600 रुपये का आएगा, बाकी देखते हैं। भाई के भी आ गया है हमारे साथ, और अभी राइड शुरू करने से पहले हम नाश्ता कर रहे हैं पोहा और जलेबी का रांची में। ये काफ़ी अच्छी जगह है, ऐसा के बोल के हमको लेके आया है। तो ये बस और बचा था, और इसके बाद हमारी राइड शुरू होने वाली है अमरकंटक के लिए। फाइनली हमारी राइड शुरू हो गई है, और हमने ले लिया है अपना रूट। रांझी हमने छोड़ दिया है, और काफ़ी ख़राब रास्ता है ये। बहुत आराम से जाने का प्लान है हमारा। सो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कब अमरकंटक जाएंगे, कब अमरकंटक जाएंगे। आज जा रहे हैं फाइनली, एंड वो भी अपनी बाइक से जा रहे हैं। बाइक से राइड करने के अलग मज़े होते हैं। भाई अप्रॉक्स 90 किलोमीटर्स चलने के बाद अभी हमने स्टॉप लिया है, और स्टॉप इसलिए लिया है क्योंकि ये जो व्यू देख रहे हो आप, ये इतना टेरिफिक व्यू है, इतना बढ़िया व्यू है कि मूड रिफ्रेश कर देता है। हमें यहाँ पे कुछ इंस्टाग्राम के लिए रील्स निकालनी है, मुझे यहाँ पे थंबनेल के शूट्स करने हैं। तो अभी हमने ब्रेक लिया है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे, और इसके बाद फिर हम अपनी राइड को कंटिन्यू करेंगे। और बहुत मज़ा आ रहा है, हम सिर्फ 3 लोग हैं आज, पर बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। क्यों भाई, बहुत कर रहे हैं। आपको अगर अमरकंटक जाना है या बांधवगढ़ नेशनल पार्क जाना है, दोनों के लिए रूट यही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो फ्यूल टैंक है, मतलब जो पेट्रोल है या डीजल है, वो आप पहले से भरवा लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम पेट्रोल पंप्स हैं, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो आपको दिक्कत होगी। और सिंगल रूट है, रोड काफ़ी अच्छी है, पर हाँ थोड़ा सा डेंजरस है। सो हमारा फोटोशूट एंड सारी चीज़ें हो गई हैं, और अब हम निकल रहे हैं वापस, अपनी राइड कंटिन्यू कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर आप रील्स देख सकते हैं, फोटोज़ देख सकते हैं, बहुत ही सही व्यू है भाई ये। और अभी ऐसा पता चला है, क्योंकि मैं अमरकंटक नहीं आऊँ, तो अभी ऐसा पता चला है कि आगे तो और स्टनिंग व्यूज़ हैं, तो वहाँ पे भी हम रुकेंगे। और अब कुछ भूख लग रही है, तो पहले कुछ खाएंगे। चले चलो, राइड हमने अपनी कंटिन्यू कर ली है, और सामने आप देख रहे हैं, वो देख रही है नर्मदा जी, जिनके लिए स्पेशली मैं जा रहा हूँ अमरकंटक। पता होने वालों को पता होगा, लेकिन मैं वहीं जाके बताऊँगा, जिनको नहीं पता है उनको। हम ऑलमोस्ट डिंडोरी पहुँच रहे हैं, 6 किलोमीटर और बचा है, और वहाँ से अमरकंटक जो है वो 86 किलोमीटर्स होता है। भाई क्या ही व्यू है यार, और रोड तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही शानदार रोड है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऑल्दो ये सिंगल लेन रोड है, लेकिन बहुत बढ़िया रोड है भाई।
आराम से चलाइएगा, सीधी रोड आपको नहीं मिलेगी, घाटी वाली रोड मिलेगी आपको, ये जैसा सांप होता है ना वैसे टर्न्स वाली रोड है ये। ब्लॉग में तो देख ही रहे होगा, ब्लॉग में मज़ा आ रहा होगा। जस्ट लुक एट दिस व्यू मैन, GoPro में सुपर व्यू की वजह से काफ़ी दूर दूर दिख रही होंगी चीज़ें आपको, पर मैं तो अपनी आँखों से देख रहा हूँ। क्या ही सही व्यू है भाई अमरकंटक रोड के लिए। और पूरा ये जो पैच है ना जबलपुर से लेके यहाँ तक आफ्टर कुंडम, बहुत बढ़िया, लिटरली बहुत बढ़िया। और अब हम पहुँचने ही वाले हैं, 45 किलोमीटर्स बचा है अमरकंटक। ये देखिए, मतलब मैं कैमरा बंद नहीं कर पा रहा हूँ, इतना सही व्यू है हर जगह, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। सफ़र के मज़े आप ले रहे होंगे हमारे साथ अमरकंटक जाते हुए। और अभी हम मिडवे ट्रीट में रुके हैं, ये हमारा लास्ट स्टॉप है, यहाँ से 35 किलोमीटर से अमरकंटक। चाय लेने के लिए हम रुके हैं यहाँ पे, और व्यू तो आपको पता ही है, पूरे ब्लॉग में देखते आए हो। और ये लास्ट स्टॉप है, इसके बाद हम सीधे अमरकंटक में रुकेंगे। चाय ले आओ तीन, बताना कि कितने की है, इसमें बताऊँगा मैं भाई। ये है हमारी, कितने की चाय है ये? 20 रुपये की चाय है MPT। इसको जो है टेस्ट करेंगे आप, बंटी वैसे अच्छी होनी चाहिए चाय। अच्छी है चाय, ठीक है, पीने लायक, पीने लायक, इट्स गुड। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि लास्ट जब हम सिंग्रामपुर गए थे तो वहाँ एक MPT का एक्सपीरियंस हमारा बड़ा ही ख़राब था, यहाँ टेस्ट करने के लिए हम रुके हैं स्पेशली। और चाय तो चाय होती है भाई। भाई यहाँ अंधेरा देखिए आप, शाम हो रही है, और ये रोड देखो मेरे भाई, ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी। सुपर व्यू की वजह से बहुत दूर दूर चीज़ें दिख रही होंगी, पर जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ना भाई, अल्टीमेट अल्टीमेट एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का। मध्य प्रदेश बहुत सुंदर है, और मानसून के टाइम पे तो क्या ही लगता होगा यार, ये गज़ब। पूरा अंधेरा हो गया है इस रोड में, बहुत ही बढ़िया है यार। सनसेट अभी हुआ नहीं है पूरी तरीके से, 4:30 बज रहा है। ये वीडियो मैं जानबूझ के थोड़ा सा लेंदी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अमरकंटक पहली बार जा रहा हूँ, और जो लोग अभी तक अमरकंटक नहीं गए हैं तो उनको पता होना चाहिए ना कि अमरकंटक क्यों जाना है। तो जितने सीन्स मुझे दिख रहे हैं जो अच्छे लग रहे हैं, वो मैं सारे दिखा रहा हूँ इस व्लॉग में। The drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. I've been on the flex since flex zone. So, भाई अभी का जो पैच देखा आपने, जो मैं वॉइस ओवर कर रहा था, वो जो बहुत ही सही व्यू था, वो हमने क्रॉस कर लिया। और अभी हम कबीर चबूतरे पे हैं, इस चौराहे का नाम कबीर चबूतरा, और यहाँ से लेफ्ट लेने पे 8 किलोमीटर दूर अमरकंटक है। यहाँ से भी हमारा 8 किलोमीटर और बचा है, और इस एग्जैक्ट पॉइंट से 222 किलोमीटर यानी 222 किलोमीटर जबलपुर है। बहुत ही बढ़िया लास्ट का पैच, बहुत ही सुंदर है। आगे मेरे को नहीं पता के आया, मैं तो पहली बार आया हूँ, तो आगे और भी सुंदर चीज़ें हो सकती हैं। वो बोल रहा है कि आगे और ही सुंदर है, तो मतलब इससे और सुंदर क्या होगा भाई। बहुत ही बढ़िया, मूड रिफ़्रेश हो गया, और वापस से ठंड लगने लगी है यहाँ पे बहुत जम के। अगर आप कभी भी आएँ, किसी भी सीज़न में आएँ, आप गर्म कपड़े ज़रूर लेके आइएगा, यहाँ पे ठंड बहुत होती है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो हम अमरकंटक तो आ गए हैं, और अभी हम रुकने के लिए प्लेस देख रहे हैं। ये कौन सा आश्रम है? मृत्युंजय। ये मृत्युंजय आश्रम है, और एक कल्याण आश्रम पड़ता है, पर वहाँ पे कोविड के कारण स्टे अलाउ नहीं है, तो अभी यहाँ पे पता कर रहे हैं, और फिर अगर यहाँ नहीं हुआ तो फिर कहीं आगे देखेंगे। एंड अमरकंटक 244 किलोमीटर एग्जैक्ट मेरे घर से। तो भाई हमारा रूम लेने वाला प्रोसेस हो चुका है पूरा, शांति कुटी अमरकंटक में, यानी शांति कुटी आश्रम का नाम है, और हम आश्रम में रुके हैं। तो यहाँ पर हमें 900 रुपीज़ पर नाइट का चार्ज देना पड़ा है, जिसमें गर्म पानी मिलेगा आपको, वाईफाई नहीं मिलेगा आपको, बाकी सारी एमिनिटीज़ मिल जाएंगी, गाड़ी आप आराम से अपनी अंदर खड़ी कर सकते हैं। और बहुत अच्छा कैंपस है, सुबह के टाइम में आपको दिखाऊंगा, अभी तो शाम हो गई है। और हम तीनों एक रूम में रुके हैं, डबल बेडरूम है, वो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, बड़ा है, स्पेशियस है। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ,
बहुत ठंड है, बहुत ठंड है भाई, मैं नहीं जा रहा, बहुत ठंड है। तो ये है हमारा रूम, मैं बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, बहुत ठंड है बाहर, शीतलहर चल रही है और हम सब एकदम रूम देखते साथ, बेड देखते साथ सारे रिलैक्स हो गए। ये 900 रुपीज का रूम है, ठीक है, पर हेड हमें 300 रुपीज पड़े और ठीक है, डबल बेड है। और सबसे ज़्यादा जो इशू रहता है, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, वो रहता है वॉशरूम। तो वॉशरूम दिखा देता हूँ, वॉशरूम साफ़ है भाई, बढ़िया है, अच्छा हाइजीनिक है, एंड इसमें गीज़र भी है ना, तो 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड 24 आवर्स गर्म पानी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अमरकंटक में। और ऐसा पता चल रहा है कि कल सुबह जो हमें सनराइज़ देखने के लिए उठना है, तो कल सुबह 3 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, वो कल सुबह देखेंगे। वेल दैट्स इट फॉर टुडे, आज आपको अच्छा लगा होगा इस ब्लॉग को देख के, और हमने काफ़ी बढ़िया तरीके से, एडवेंचर तरीके से, एक रिलैक्सिंग वाइब के साथ इस जर्नी को कंप्लीट किया है, 244 किलोमीटर्स। जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग होगा उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है, आपको उसमें सनराइज एंड बाकी जो अमरकंटक की टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सब नेक्स्ट ब्लॉग में होने वाला है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के ब्लॉग में आपको क्या कैसी चीज़ें लगी, कैसा वो पैच लगा जो लास्ट का अमरकंटक आने वाला होता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड चिल वाइब्स के साथ जीते रहिए, बाय बाय, जीवन चिल।